अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्दर अपने रिसेंट लेक्चर को ये कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम वेदर एपीआई से रिस्पॉन्स गेट कर रहे थे और उसको अपने यूआई पे शो करवा रहे थे। तो इसमें हमने क्या करना है, हम लास्ट टाइम हमने जब किया था हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टैटिक दिया था किसी लोकेशन का, मतलब फैसलाबाद का ही दिया था फिलहाल। तो अगर हमने यूज़र से, मतलब हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर दें, जब भी वो फेच यूज़र पे क्लिक करे तो उसकी करंट लोकेशन आ जाए और हम उसको लेटर ऑन उसी लोकेशन के लिहाज से टेम्परेचर वगैरह शो करवा दें इन्फॉर्मेशन। तो लोकेशन की ऐड करने के लिए हमारे पास पैकेज होता है, उसका नाम है जियो लोकेटर। जियो मीन सर्च, जियो लोकेटर, जियो लोकेटर हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इसको हम सिंपल इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कमांड और इसको टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे इसमें पब स्पेक टेबल में ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये पैकेज थोड़ा सा हमारे डिवाइस के फीचर्स को यूज़ करता है, इसलिए हमें इसको एक्स्ट्रा परमिशन देनी पड़ेंगी। लाइक हमें एंड्रॉयड या आईओएस या वेब डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसका सेटअप करना पड़ेगा। तो हम इस वक्त एंड्रॉयड के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें ये दो लाइंस हमारे हमारी ग्रेडर डॉट प्रॉपर्टीज़ वाली फ़ाइल में ऐड करनी पड़ेंगी। ये हमारे पास आती हैं, ऐड द फॉलोइंग टू योर ग्रेडर डॉट प्रॉपर्टीज़। ग्रेडर डॉट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपाइल एस टी के वर्जन मेरा 33 होना चाहिए इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है। मैं जाता हूँ कंपाइल एस टी के वर्जन हमें मिलता है इस लेवल पे, एंड्रॉयड लेवल पे, अगेन ऐप लेवल पे। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है, ओके, यहाँ पर हमारे पास फ्लटर कंपाइल एस टी के वर्जन हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। फ़िलहाल हम इसको 33 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें ये दो परमिशन ऐड करनी पड़ेंगी इस जगह पर, हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाली फ़ाइल के अंदर, जो कि हमारे पास कहाँ लोकेट करती है, एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में, ऐप के फ़ोल्डर में, अगेन सोर्स के, देन मेन, और यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एग्जाम्पल फाइल है। अब इसको हमने किस टैग में एंटर करना है, सिंपल इधर ऐड कर देना हमने इसको अपनी पैकेज नेम के नीचे। अब हम अपनी ऐप को फ़िलहाल में करना है, इतने स्टेप्स हैं। ये भी है एक प्रिसाइज लोकेशन के लिए बैकग्राउंड में, ये भी ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये सारी हमारे पास इसकी डिपेंडेंसीज थी, जिनको ऐड किए बगैर हम अपनी ऐप की लोकेशन नहीं ऐड कर सके। अब हमने एंड्रॉयड लेवल पे चेंजेस किए हैं, तो हमें दोबारा से उसको करना पड़ेगा सारा कुछ। ओके, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं ऐप को। हमने दोबारा से अपनी ऐप को बिल्ड किया, तब तक हम थोड़ा सा इसको जियो लोकेटर पैकेज को पढ़ लेते हैं क्या क्या करता है। हम क्या करते हैं, जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए हम अपनी करंट लोकेशन गेट कर सकते हैं। जैसे इसी तरह हम अगर अपनी लास्ट लोकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये ऐप रन होती है हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, हमारी ऐप रन हो रही है, हम फेच डेटा पर क्लिक करें तो हमारे पास डेटा भी फेच हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब भी सॉरी, हम उसको वहाँ से डाटा सिंपल हमने यहाँ पे पब स्पेक में हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया जियो लोकेटर का, और अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं हमारी क्लास के अंदर। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ गेट लोकेशन का, गेट करंट लोकेशन। ओके, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जियो लोकेटर, यहाँ पे क्लास आ गई, डॉट गेट करंट पोजीशन,
अगर हम चाहें तो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं। डिज़ायर्ड एक्यूरेसी को क्या एट्रीब्यूट चाहिए? लोकेशन डॉट एक्यूरेसी, लोकेशन एक्यूरेसी सॉरी डॉट हाई, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको आप दें ये तो मतलब आपकी जो लोकेशन की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आएंगे। ओके अगर हम देखें तो ये जो है ये फ्यूचर रिटर्न करता है हमें। अब अगर हमने फ्यूचर को रिटर्न करना है तो हम इस मेथड को एसिंक्रोनस बना देंगे। एसिंक्रोनस कैसे बनता है? एसिंक का कीवर्ड लगा के। अभी हमने एसिंक्रोनस तो बना दिया है लेकिन अब हमने उसको बताया नहीं है कि हमने वेट कहाँ करना है, तो हम यहाँ पे वेट का कीवर्ड लगाएंगे। तो अब ये इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को पोजीशन की वेट करेगा, जब तक तो उसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पोजीशन के एक पैरामीटर होता है पोजीशन का, पोजीशन सॉरी पोजीशन का एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें सेव करवा लेते हैं। ओके अब जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो डाटा था मतलब जो हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए थे वो वहाँ तक ही रहते हैं महदूद, वो उससे बाहर नहीं जाते, मतलब कि उनकी वैल्यूज़ अपने स्कोप के अंदर तक वैलिड रहती हैं। तो हमें इस पोजीशन की वैल्यू को बाहर भी स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं बाहर भी एक पोजीशन का वेरिएबल बना लेता हूँ और करंट पोजीशन के नेम से, और ठीक है ऐसा नल सेफ्टी को फॉलो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और जब ये लोकेशन गेट हो जाएगी तो हम सिंपल ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर वैसे ही सेव करवा लेते हैं। ओके अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अब यहाँ पर दो पैरामीटर्स चाहिए होंगे, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं करंट लोकेशन क्या आ रही है, करंट पोजीशन आई मीन, प्रिंट करके देखते हैं फेच डेटा, सॉरी हमने मेथड को कॉल ही नहीं किया, इसी मेथड को हम लोग गेट लोकेशन वाले उसको ही कॉल कर लेते हैं ताकि हमें वो उसकी आउटपुट शो हो जाए। फेच डेटा करता हूँ तो मुझे फ़िलहाल ये एरर दे रहा है कि यूज़र डिनाइड परमिशन, मतलब हम कोर फीचर्स यूज़ कर रहे हैं डिवाइस के, मतलब सेंसर्स को कैमरा को, तो हमें डिवाइस से पहले परमिशन लेनी पड़ती है नेटिव फीचर्स को यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए हम हमारे पास हमें एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर, हम चेक करते हैं ये पूरा मेथड। इफ़ हम मतलब ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, हम इसको यहाँ से कोड वैसे ही उठा लेते हैं। एग्जाम्पल कि हमने पोजीशन कैसे चेक करनी है। ओके ओके यहाँ पर है हैंडल परमिशन, हम ये पूरा मेथड यहाँ से फेच कर लेते हैं यहाँ पर। ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें, मतलब ये तो हमसे मैम नहीं करवाएंगी, ये सिर्फ करंट पोजीशन जियो लोकेशन प्लेटफॉर्म, हमें यहाँ पर इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके मैंने सारे कमेंट्स हटा दिए हैं। अब हमारे पास जो ये एक मेथड बना है डिटरमाइन पोजीशन का, अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारी ऐप लोड हो ना ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, जो क्या करेगा यूज़र से परमिशन मांगेगा कि आपके डिवाइस को परमिशन मिली हुई है, मतलब आपकी डिवाइस हम आपके डिवाइस से लोकेशन की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको हम चाहते हैं जब भी हमारी ऐप फर्स्ट टाइम क्रिएट हो तो उस वक्त रन होगी। हम यहाँ लिखते हैं इनिट स्टेट, इनिट स्टेट का मेथड होता है इनिट स्टेट एट द रेट ओवरराइड दिस डॉट स्टेट, सॉरी दिस में सुपर आएगा। अब मैं चाहता हूँ इस वाला ये वाला मेथड इसके अंदर कॉल हो जाए, डिटरमिन पोजीशन। ओके
मैं फर्स्ट टाइम अपनी ऐप को रन करता हूँ, रिबिल्ड करता हूँ, सॉरी। हाँ देखें, वो मेरे से परमिशन मांग रहा है कि आप इस ऐप को लोकेशन की सर्विस, लोकेशन देना चाहते हैं, तो मैं अलाउ कर दूंगा। ओके, अब जब मैं फेच डाटा करूंगा तो ये डाटा, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देखें, मुझे लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल गया है मेरा करंट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को, जो उसी इस मेथड को फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं, डिटरमिन पोजीशन परमिशन वाला। अब हम इस करंट पोजीशन वाली वैल्यू को चाहते हैं कि इसका जो पैरामीटर है 37, ये वाले जेड लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड है, वो इस जगह पे यूज़ हो जाएँ जहाँ पे हमने वेदर का मतलब लोकेशन मंगवानी होती है। तो हमें इस मेथड को, मेथड में दो वैल्यूज़ रिक्वायर होंगी, डबल लॉन्ग, सॉरी लेट, और डबल लॉन्ग। ओके, अब ये मेथड कह रहा है कि आपने दो पैरामीटर्स पास नहीं किए, तो मैं यहाँ पर करंट पोजीशन डॉट लैटिट्यूड और करंट पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड पास करवा देता हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि ये नल सेफ्टी के साथ है, तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं फेच डेटा करता हूँ, मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? वो कह रहा है कि आपने नल चेक ऑपरेटर लगाया है एक नल वैल्यू पे। वो नल वैल्यू किधर है? ये मतलब वो कह रहा है कि अभी करंट पोजीशन आपके पास कोई आई ही नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ऐप लोड हो ना, तो करंट पोजीशन भी फेच हो जाए। तो मुझे ये मेथड एक मरतबा इनिट स्टेट में भी कॉल करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही ऐप की स्टेट क्रिएट हो तो वो अपनी, हमारी करंट लोकेशन भी फेच कर ले। अब मैं दोबारा इसको रिबिल्ड करता हूँ, तो अब उसने कोई एरर नहीं दिया, उसने डायरेक्ट मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रिंट करवा दिया क्योंकि इस लाइन में था। जैसे ही इनिट स्टेट वाला मेथड चला, तो उसने करंट पोजीशन गेट की और ये वाला मतलब प्रिंट करवा दिया, करंट पोजीशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब मैं फेच डाटा करता हूँ, तो दोबारा वो प्रिंट हो गई है और मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन अभी मैंने जो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड है, इनकी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं किया इधर, यहाँ पे अभी भी 31 लिखा आ रहा है। तो सिंपल तरीके, आप डॉलर लगाओ और वहाँ पे लेट लिख दो, और इसकी जगह पे डॉलर लगाओ और लॉन्ग लिख दो। सॉरी, डॉलर इग्नोर हो गया, वेट। ओके, अब यहाँ पे मैंने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया। अब मैं दोबारा फेच करता हूँ लोकेशन अपनी, तो ये चला गया। और इस मरतबा देखें, मेरा जो एड्रेस आया है माउंटेन व्यू US क्लियर स्काई, क्योंकि जो एड्रेस है ना, ये एमुलेटर पे मेरा एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होगा, लोकेशन, सॉरी लोकेशन, एमुलेटर की लोकेशन वो उसकी अमेरिका की रीजन की होती है, इसलिए हमें यहाँ पे उनका ही लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड शो हो रहा है, उसी के लिहाज से उन्होंने हमें ये दिखाया है। देखो, माउंटेन व्यू यहाँ पे शो हो रहा है और वहाँ का वेदर, और माउंटेन व्यू US में है। सिंपल, हम इस तरह जियो लोकेटर को यूज़ करके अपनी लोकेशन गेट कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेच द लोकेशन द यूज़र अपॉन द लोडिंग ऑफ द ऐप। मतलब ये अपॉन द लोडिंग ही है, मतलब अभी ऐप लोड हो रही है इनिट स्टेट के। इनिट स्टेट जो होता है, ये उस वक्त क्रिएट होता है जब ऐप हमारी लोड हो रही होती है, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा होता है हमारी ऐप का। तो हमने उसी के अंदर ये सारा काम किया है, जैसे ही हमारी ऐप लोड होती है तो वो लोकेशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर, अच्छा देखें, अगर हम इसको दोबारा रिबिल्ड करते हैं, हम देखेंगे हमारा डाटा फेच नहीं हुआ, सिर्फ लोकेशन आई है। अगर हम चाहते हैं कि लोकेशन के बाद हमारा डाटा ही फेच हो जाए, तो इसके अंदर हम वन टाइम वो वाला मेथड, मेथड का नेम लिख देते हैं, गेट मेथड, और उसके अंदर हमने सेम यही पैरामीटर्स पास करवाने हैं, लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ और लेटिट्यूड की वैल्यूज़। ओके, अब मैं दोबारा रिबिल्ड करता हूँ। ओके, नल चेक ऑपरेटर असल में वहाँ पे वो वेट नहीं कर रहा उसके लिए। ठीक है, मैं देख लेते हैं इसको। ओके,
अच्छा यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेते हैं, मतलब मैथड को, ने सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट वेदर। ओके फिर यहाँ पे मैं सेकंड टाइम इसको कॉल भी करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जब गेट लोकेशन पे जाएगा तो वो खुद ही इसकी वैल्यू भी फेच कर लेगा। ओके देखो ऑटोमेटिकली वो रिबिल्ड हो गया क्योंकि उसने लोकेशन ले ली थी वहाँ से, ठीक है। मतलब इस तरह हम अपॉन लोडिंग ऑफ द ऐप हम अपनी लोकेशन गेट कर सकते हैं। ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, गिटहब का लिंक मेरे यूट्यूब के चैनल के लिंक उसमें है, अबाउट में है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।